शफीक बेटा, अब ये तुम लोग आपस में फैसला कर लो कि शादी की तारीख कब रखनी है। बेटा तो बेवा औरत हूं, शौहर के मरने के बाद तमाम रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया, बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को पाला है। मैं तो अपने इस मोहल्ले से चंद लोगों को और मौलवी साहब को बुला लूंगी, बेटा मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अपनी बेटी की खुशियां देखना चाहती हूँ। पाजी जिस तरह आप चाहें, जैसे आपकी मर्जी। हम आप बड़ी हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप जिस चीज को चाहें बुला लें। मगरिब की नमाज के बाद ये नेक काम हो जाए तो अच्छा है। अब हमें इजाजत दें, चलते हैं। अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया पाजी। जीते रहो, जीते रहो बेटा, जीते रहो। क्या हुआ, जोकरों की तरह क्या बात है? तू तो कैसा मुसलमान है, तुझे नमाज नहीं पढ़नी आती? क्यों, अभी जो नमाज पढ़ी मैंने। ये ऐसे नमाज पढ़ी जाती है? ठीक है ना, जितनी आती है बस पढ़ ली मैंने। वैसे इस दफा कमाल है, हाँ। क्या नगीना तलाश किया है तुमने और क्या अच्छी जगह पर लेकर आया। देख मैंने तेरा काम किया ना, लेकिन तूने मेरा काम नहीं किया। कौन सा काम यार, मेरे वीजे का क्या किया है? ओ वीजा यार, जाऊंगा तो कोशिश करूंगा ना। यार छोड़ यार, तू हर दफा मुझे टरखा देता है। इस दफा नहीं टरखा रहा, चल कल की तैयारी भी करनी है, शादी है मेरी। चल यार, वो दूसरी भाई याद आ गए, दुल्हन का जोड़ा बमाए जाली जेवरात, दुल्हन के घर पुजा दिए हैं। जाली जेवरात, कमाल है यार। लेकिन एक बात है, अगर उन्हें पता चल गया कि जेवरात जाली हैं तो? यार कोई पता नहीं चलेगा, सीधे साधे लोग हैं भोले भाले, वो ज्वेलर के चक्कर में कहाँ पड़ेंगे। सा तुम्हें पता, तू अमेरिका से आया यार, अमेरिका से। हाँ यार, एक बात का बड़ा अफसोस होता है मुझे कि दुनिया अमेरिका को पता नहीं क्या समझती। सबसे ज्यादा धोखा फरेब अमेरिका में ही है। ये जितने धोखे की चीजें, दो नंबर के काम, ये सब अमेरिका और बरतानिया से शुरू होते हैं और पूरे दुनिया में फैलते हैं। ये बुढ़िया भी जो है ना, ये भी बहुत ही सीधी और शरीफ है। और शर्मकार यार, तेरे होने वाली सास है उसे तो बुढ़िया कह रहा है यार। वो सास है होने वाली, अभी बनी तो नहीं ना, और जब बनेगी तब देखी जाएगी। वैसे है तो वो बुढ़िया ना, कोई नौजवान तो है नहीं। अच्छा यार, वो याद आ गया, मैंने तेरी होने वाली दुल्हन का शादी का जोड़ा उसके घर पहुंचा दिया, और साथ मैंने अपने पास से 20,000 रुपए दिए हैं पार्लर के लिए। ठीक है, ऐसा करो पर्स निकालो और मुझे मेरे 20,000 दो, फौरी फौरी फौरी। हाँ बस 20,000 रुपए। यार तू कैसा बंदा है यार, तू अमेरिका में रहता है, 20,000 यार, वो इतनी सी अमाउंट है और तू देते वक्त सोच रहा है। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो मैं मान लेता हूँ, 20,000 रुपए की बात है ना, तुम्हें 20,000 रुपए मिल जाएंगे, बल्कि यूं समझो कि 20,000 तुम्हें मिल गए, बेफिक्र हो। चल चल।
बाजे, बहुत देर हो गई है, अब हमें इजाजत दें। शफीक बेटा, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। बड़े नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को। हाँ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जब मेरी बीवी है मैं इसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगा। माँ जी, बहुत देर हो गई, अब हमें इजाजत दें। हाँ बेटा, बेटियां तो होती ही पर आया था, अब ये आप लोगों की अमानत है, ले जाए। देखो बेटा, एक बात याद रखना, हम मुसलमान हैं बेटा, हमारा अपने खुदा और अपने आका आखिरुज़्ज़मान नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता ईमान है बेटा। अब तुम जिस घर जा रही हो उस घर की लाश तुम्हारे हाथ में है बेटा। आइंदा जिंदगी तुमने शौहर के साथ हर किस्म की धूप छांव, खुशी गमी उसी के साथ तले गुजारनी है बेटा। और एक बात याद रखना बेटी, अपने शौहर की इज्जत करना और उसकी सख्त से सख्त बात को भी तहम्मुल और समझदारी से बर्दाश्त करना बेटा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप ये मेरे मजाजी खुदा हैं, इनको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अच्छा माँ जी, इजाजत। इतना खूबसूरत तो चांद भी नहीं जितने कि तुम खूबसूरत हो। नायला, मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस घर में सुई के गिरने की आवाज भी किसी को सुनाई ना दे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको आपको सर आंखों पर, आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं। शफीक, उठ जाए वरना नमाज कजा हो जाएगी। उठ जाए, नमाज कजा हो जाएगी।
सुनो जो यार, शायद यही नमाज हमारी बख्शिश का सामान बन जाए। मैंने कहा ना सुने तो, तुमने पढ़ी नहीं नमाज, तबलीग छोड़ दो प्लीज। मैंने अपनी कब्र में जाना, तुमने अपनी कब्र में जाना। आजा तबलीग कर। लाइट बुझा देना। अल्लाह मेरे हाल पर रहम करना, शफीक ने तो मेरे घर में आकर खुद जा नमाज मांगी थी कि मैंने नमाज पढ़नी है। या अल्लाह मेरे शौहर को माफ कर देना। चाय बना देती हूँ। और खाने में क्या लेंगे आप? नहीं खाना कुछ भी नहीं, जाएंगे तुम्हारी अम्मा की तरफ यार, उससे भी खिदमत करने का मौका था। अच्छा दूसरी बात, मुझे पैकिंग वैकिंग कर लेने चलेंगे हनीमून पे। हाँ चलो ठीक है, मैं चाय लेकर आती। चाय जरा कड़क बनाना, गर्मा गर्म है। कोफ्ते कैसे लगे शफीक बेटा? जी अम्मा बस बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जहमत की। नहीं मैंने तो चपली कबाब ही तुम्हारे लिए बनाए थे बेटा। तुम ऐसा करो बेटा, जब तक पाकिस्तान में हो ना